आने वाले जितने भी द्रोही लोग हैं, दोषी लोग हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई आज हुई है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे लोग जिनकी वास्तव में पुष्टि हो जाए कि इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, गंदगी की है, उनकी तो निश्चित रूप से इनकाउंटर में डेथ होनी चाहिए थी। ये घटना हिंदुस्तान में नजीर बनेगी। ये घटना उनके लिए सबक है जो दूसरे की बहन बेटियों को उपयोग की वस्तु समझते हैं, उपभोग की वस्तु समझते हैं। ऐसे लोग जो बलात्कार करने के आदि हैं, जो महिला के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना होनी चाहिए। मैं मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसा लगता है कि पहले तो चोरी फिर सीधा चोरी, पहले तो बलात्कार किया गया, फिर एक मासूम महिला की हत्या कर दी गई और साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की गई अपराधी के द्वारा, और फिर पुलिस पर हमला किया गया। कोई तो चोरी सीना चोरी जैसी बात है, और पुलिस पर अगर कोई हमला करता है तो पुलिस को अधिकार है कि वो उनको एनकाउंटर करे। वर्दी पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वर्दी पर वो अटैक करें। इससे जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके मन में पुलिस का भय छाएगा, और जो सज्जन लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, उनको इस बात से खुशी भी होगी और उनका अच्छा भी लगेगा। देखिए, दुर्भाग्य है देश में कि मानवाधिकार के नाम पर समय समय पर कभी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की गई, कभी देशद्रोहियों को बचाने की कोशिश की गई, और कभी अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। ये अपराधियों की ही कुटिल चाल है, और इसलिए मैं तो न्यायालय से भी और सबसे यही कहना चाहूँगा, देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनको पुलिस को अधिकार है, उनको कानून ने उनको ताकत दिया है, हमारे जो लोकल पुलिस एक्ट है उन्होंने उनको अधिकार दिया है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।